आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, अ मंकी स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन अ वर्टिकल रोप फ्रॉम अ हाइट 7g बाय 3 मीटर व्हिच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाइट को g के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है विथ अ नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ g बाय 3 मीटर पर सेकंड। सो एक्सेलरेशन को भी मतलब जो एक्सेलरेशन है मंकी का उसको भी g के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है। एट द सेम टाइम अ मैन फायर्स अ बुलेट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 3g मीटर अवे फ्रॉम द रोप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3g मीटर पर सेकंड। Which of the following options correctly represent the angle at which the shot must be made with respect to the horizontal to successfully hit the monkey? तो आओ इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो पहले दिया गया कि मंकी जो है ऐसे हम लोग का एक रोप है, ठीक है। तो मंकी हम लोग का एक हाइट पे है, ऐसा मंकी है ऐसा मान लेते हैं। वो एट अ हाइट मंकी लिखते हैं, वो है हाइट उसका कितना गिवन है, कितना ऊपर है उसका, हम लोग का कितना दिया गया डाटा 7g/3, ठीक है। तो ये हम लोग का आएगा h इज इक्वल टू 7g/3 मीटर, ठीक है। और हम लोग को बोला गया है कि जब मंकी नीचे एक्सेलरेशन के साथ एक आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मंकी एक एक्सेलरेशन के साथ आ रहे हैं, am इज इक्वल टू g/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोला गया है कि जब मंकी यहाँ से नीचे उतरने के लिए मतलब स्टार्ट करते उतरना, उसी पॉइंट पे एक गोली चलाया एक आदमी ने, ठीक है। और आदमी का डिस्टेंस फ्रॉम द रोप दिया गया है हम लोग को कितना, 3g मीटर अवे, ठीक है। सो वो 3g मीटर अवे हैं, ठीक है। और आदमी का जो बंदूक है वो हम लोग का एक एंगल पर रखा है, तो वो एंगल हम लोग का अभी निकालना है, ठीक है। ये एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं। और जो बुलेट है, ठीक है, मतलब जो बुलेट को फायर किया वो एंगल निकालना है। और बुलेट का जो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 3g, ठीक है। तो हम लोग का u दिया गया है 3g मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या होगा कि ऐसा बुलेट निकलेगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा 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 आके एक पॉइंट पे, यहाँ पे मान लेते हैं कि मंकी जहाँ पे यहाँ से ऊपर मतलब ये इसको ये जब बुलेट ऐसे रिलीज हुआ उस टाइम मंकी भी ऐसे नीचे आ रहे, तो जिस टाइम पे ऐसे मीट होते हैं एक टाइम टी पे ये दोनों आके से मीट हुआ, ठीक है। तो ये टाइम टी पे मीट हुआ और ये जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल हम लोग मान लेते हैं वो हाइट है SH-, ठीक है, H- हाइट पे मीट हुआ है। तो अभी देखो, अभी हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए हम लोग, ये हाइट मंकी जितना उतरा उसको हम लोग H मान लेते हैं, ठीक है। अभी देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए देखो जो x डिस्टेंस है, ठीक है, जितना इसने ट्रेवल किया ये है हम लोग का x डिस्टेंस। तो x इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म मोशन करता करेगा बुलेट जो है, तो यहाँ पे आएगा u, ठीक है, cos थीटा t, ठीक है। तो x हम लोग का क्या दिया गया है, x हम लोग का कितना दिया गया है, 3g दिया गया है, ठीक है। और हम लोग का जो u है वो भी 3g दिया गया है, सो 3g इक्वल टू 3g cos थीटा t, ठीक है, 3g कैंसिल। तो हम लोग को t क्या मिला, t इज इक्वल टू 1 cos थीटा, ठीक है, ऐसे हम लोग को मिला t टाइम। तो देखो ये जो वर्टिकल जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा h-, इसका फॉर्मूला होता है h- इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो h- क्या आएगा, h- इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी क्या है, 1 cos थीटा, मतलब u tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब क्या है, 1 cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, तो टी स्क्वायर हम लोग आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी देखो ये हम लोग को मिल गया, अच्छा u हम लोग का क्या दिया गया है, h- हम लोग का u दिया गया है 3g, तो ये आ जाएगा 3g tan थीटा माइनस हाफ जी sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखो, अभी ये जो हाइट h है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंकी इनिशियली हम लोग का जब स्टार्ट किया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का 0 है क्योंकि ये स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करेगा ये मोशन। तो ये जो मंकी जितना हाइट से गिरा कैपिटल h इट विल बी इक्वल टू हाफ am टी स्क्वायर, और टाइम ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन को ये बुलेट को पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा,
तो ये आएगा कैपिटल एच इज इक्वल टू हाफ, हम लोग का एम कितना दिया है जी बाई थ्री, और टी हम लोग का क्या है सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये स्मॉल एच प्लस स्मॉल एच डैश इज इक्वल टू हम लोग का क्या आएगा टोटल कैपिटल एच। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एच प्लस एच डैश इज इक्वल टू कैपिटल एच, तो एच हम लोग का क्या है हाफ जी बाई थ्री सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस एच डैश क्या है हम लोग का थ्री जी टेन थीटा माइनस कितना आएगा हाफ जी सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच कैपिटल एच हम लोग का क्या है कैपिटल एच हम लोग को दिया गया है सेवन जी बाई थ्री। ठीक है, तो आ जाएगा सेवन जी बाई थ्री। तो आउट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो थ्री जी टेन थीटा, ठीक है, प्लस दिए देखो हम लोग यहाँ से हाफ जी सेक्स स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू। ठीक है, हाफ जी सेक्स स्क्वायर थीटा इन दोनों से अगर कॉमन ले तो क्या आ जाएगा वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू, सो वन बाई थ्री माइनस सॉरी वन बाई थ्री माइनस वन आएगा हाफ जी सेक्स स्क्वायर थीटा कॉमन लेने से, तो यह आ जाएगा माइनस कितना टू बाई थ्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग का माइनस हाफ जी सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कितना आ जाएगा हम लोग का माइनस टू बाई थ्री, तो माइनस हम लोग ने पहले ले लिया है तो ये हम लोग आ जाएगा टू बाय थ्री। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा इज इक्वल टू सेवन जी बाय थ्री। तो देखो इसमें अगर हम लोग थ्री मल्टीप्लाई करें थ्री बाई जी अगर मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में, तो थ्री बाई जी मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा सॉरी हाँ थ्री बाई जी मल्टीप्लाई करते हैं तो जी जी इसमें कैंसिल आ जाएगा और इसमें थ्री इंटू थ्री नाइन टेन थीटा माइनस ये टू टू कैंसिल, और यहाँ पे थ्री बाई जी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का सिर्फ माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा ले जाया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जी बाई थ्री इंटू थ्री बाई जी वन हो जाता है और टू टू कैंसिल हो गए हैं, इज इक्वल टू थ्री बाई जी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आता है सेवन आएगा। ठीक है, सेवन। अभी देखो सेक्स स्क्वायर थीटा हम लोग का क्या होता है, सेक्स स्क्वायर हम लोग का होता है कि ये फिर दिखाता हूँ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो हम लोग का सेक्स स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाइन टेन थीटा माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस नाइन टेन थीटा प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग देखो यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर थीटा माइनस एट टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें अगर पहले में अगर हम लोग टेन थीटा कॉमन ले और दूसरे में हम लोग माइनस वन कॉमन ले तो हम लोग आ जाएगा टेन थीटा माइनस एट इंटू टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा देखो टेन थीटा का दो वैल्यू आएगा हम लोग का टेन थीटा इज इक्वल टू वन कॉमा एट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का थीटा आएगा टेन इनवर्स वन विच इज इक्वल टू 45 डिग्री और टेन इनवर्स एट। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग को दो टेन थीटा का मतलब थीटा का हम लोग का दो वैल्यू मिला है तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हम लोग को क्या गिवन है। तो ऑप्शन में हम लोग को गिवन है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री टेन इनवर्स 3 डिग्री, तो हम लोग को 45 डिग्री गिवन है तो हम लोग का जो एंगल हम लोग को यहाँ पे देखो 45 डिग्री मिला है तो इसमें से कोई एक ही होगा तो हम लोग का ये 45 डिग्री जो है वही होगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग का ये जो सेकेंड ऑप्शन है यही हम लोग का सही ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।